हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्यू टाइप्स ऑफ बैग जो मुझे लगता है कि सभी लड़कियों के पास होने चाहिए और ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल साइड पर होने वाले हैं। कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं दिखाने वाली हूँ मैं और ये इजीली आपको ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढने में भी कोई इशू नहीं होगा। और जितना पॉसिबल होगा उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी पर्सनल फेवरेट कैटेगरी, वो है टोट बैग। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टोट बैग, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ये दो बैग दिखाने वाली हूँ। ये है मिनीसो से, ये मैंने मिनीसो से परचेज करा था और मिनीसो के बैग ना बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बहुत ऐसा मिनिमल सा सोबर सा उनका डिज़ाइन रहता है, मतलब पैटर्न रहता है, इसलिए मुझे मिनीसो के बैग पसंद है। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसमें बस एक ही कमी है कि इसमें ना यहाँ पे चेन नहीं दी गई है, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है, अगर चेन नहीं रहती है। इसमें ये मैग्नेट वाला लॉक दिया है, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। मुझे टोट बैग बहुत पसंद है क्योंकि ना वो सभी आउटफिट के साथ चले जाते हैं, चाहे आप उनको सूट के साथ पहनो, चिकनकारी के साथ पहनो, जीन्स के साथ पहनो, तो ये सभी आउटफिट के साथ चले जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें आप कितना भी सामान रख सकते हैं। और ये दूसरा वाला थोड़ा हाई साइड पर है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी। ओके, ये ऐसा डार्क ग्रीन कलर में है, बॉटल ग्रीन में, और इस पे थोड़ा सा क्रोकोडाइल वाला प्रिंट है, इस पे पैटर्न है। ओके, इसमें ये काफी ज्यादा स्पेशियस है, इससे भी ज्यादा, ये थोड़ा फैंसी साइड पर है तो इसलिए मैं इसको डेली में यूज़ करती हूँ, ये हर आउटफिट के साथ ईजिली चला भी जाता है। ओके, इसको मैं थोड़ा ओकेजनली यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें वो थोड़ी लग्जूरियस वाली फील भी है। सबसे पहले एक पॉकेट यहाँ दी गई है, फिर एक पॉकेट इधर दी गई है, और आपको इसके अंदर जो सामान दिख रहा है ना उसको बिल्कुल इग्नोर करना, ठीक है। दो पॉकेट तो आपकी यहाँ पर है, एक चेन आपको अंदर दी गई है और अंदर भी आपको ऐसे दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं, इधर और इधर, और इसके बीच में एक और चेन है, प्लस एक चेन में इधर दी गई है और एक चेन इधर दी गई है। अगर मैं पॉकेट काउंट करूँ तो इतनी 1 2 3 4 5 6 7 पॉकेट्स हैं इसके अंदर, और मतलब इसमें इतना ज़्यादा सामान आ जाता है ना, देखने में बिल्कुल भी मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इसमें कितना सामान आ जाता है। तो मेरे को जब भी कहीं जाना होता है तो मोस्टली मैं इस बैग को कैरी करती हूँ। ओके, सेकेंड कैटेगरी है वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। आई नो बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनको, बट मुझे थोड़ा कम पसंद है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया हुआ है। सो वो है शोल्डर बैग, सी मैंने बिल्कुल बेसिक लिए हुए हैं, ये दोनों कंट्रास्ट में भी जाते हैं और ये सब पे चले जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए मैंने इन कलर में इन्वेस्ट किया हुआ है। और मैंने मोस्टली बैग ना थोड़ा न्यूट्रल साइड पे लिए हुए हैं जो आपके सभी आउटफिट पे चले जाएं और आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग बैग्स ना परचेज ना करने पड़े। सो सबसे पहले है ये ब्लैक वाला, ये मैंने मीशो से लिया है, और ये है वाइट कलर में, ये मैंने सरोजनी से लिया है, आई थिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था ये। सो ये देखने में आगे से कुछ इस टाइप से है, इस पे थोड़ा सा ये कुशनिंग वाला डिटेल वो है, पैटर्न है, ठीक है। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, मैंने मीशो से मंगाया था और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और इसमें ये काफ़ी स्पेशियस भी है, इसमें काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है। अंदर आपको एक पॉकेट इधर दी गई है, एक पॉकेट इस साइड दी है और बीच में भी एक पॉकेट दी है। आपने कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी है उसके साथ ये शोल्डर बैग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए ही मैंने लिए हुए हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा यू नो अफोर्डेबल साइड में है, इसमें भी दो पॉकेट दी गई है। अभी तक मैंने इसको आई थिंक एक ही बार यूज़ करा है मे बी, यस। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इसमें आपका अच्छा खासा सामान आ जाता है मेकअप का, मतलब बेसिक, तो आपका फ़ोन ईजिली आ जाता है, आपका कॉम, आपकी लिपस्टिक वगैरह ईजिली आप इसमें कैरी कर सकते हो, और ये आपके ना दोनों के साथ चला जाता है, इंडियन वेयर के साथ भी चला जाता है और वेस्टर्न के साथ भी चला जाता है, इसलिए काफ़ी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है शोल्डर बैग, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ ये है कि इनकी डेली यूज़ में ज़रूरत पड़ती रहती है। सो या नेक्स्ट कैटेगरी है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो है क्रॉस बॉडी बैग्स, या आप उनको स्लिंग बैग भी बोल सकते हो। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ऐसा मिनिमल सा लुक देता है आपके आउटफिट को, ना तो बहुत ज़्यादा ओवरडू करता है ना ही बहुत ज़्यादा यू नो लो साइड पे करता है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं और डेली में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं हमारे, ठीक है। जीन्स के साथ, ट्राउजर्स के साथ ये बहुत अच्छे से जाते हैं, इनफैक्ट वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी काफ़ी अच्छे से जाते हैं, और आप इनको
उनको मतलब ऐसे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो या आउटिंग पे जा रहे हो, मॉल वगैरह जा रहे हो, तो उस टाइम पे भी ये काफ़ी मतलब उसमें भी आप इसको कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो सबसे पहले है ये बेज कलर में बैग, ठीक है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये मैं सरोजनी से लाई थी 500 रुपीज़ में। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा सामान आ जाता है मेरा, ठीक है। इसमें और इसको मैं जब से लाई हूँ मैं बहुत बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। इसमें आपको एक बेल्ट ये दी गई है, आप इसको एज अ शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये दोनों ही जो बेल्ट हैं ये डिटैच हो जाती हैं। सो इसमें एक चेन आपको पीछे की साइड दी गई है, इसमें आगे की साइड एक चेन दी गई है, प्लस उसमें भी फिर आपको दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं, इस साइड और बीच में एक चेन वाला कंपार्टमेंट दिया गया है, और साइड में आपको ना कार्ड वगैरह रखने के लिए वो दिया गया है, पॉकेट्स दी गई। और दूसरा बैग है नेवी ब्लू कलर में, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा काफ़ी वेस्टर्न के साथ भी और जीन्स के साथ भी ईजिली चल जाता है। ये बहुत मतलब थोड़ा डार्कर साइड पे है तो काफ़ी ईजिली कॉम्प्लीमेंट करता है मेरी ड्रेसेस को, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी चेन की वजह से ना थोड़ा फैंसी सा लुक आता है, इसकी चेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें एक छोटी सी पॉकेट आगे साइड दी गई है, अंदर की साइड आपको एक ऐसा कंपार्टमेंट दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस है, इसमें भी आपका बेसिक सामान ईजिली आ जाएगा, और साइड में आपको छोटी पॉकेट दी गई है, आप इसमें अपना कैश या फिर कार्ड वगैरह रख सकते हो, और एक इधर जिप वाली पॉकेट दी गई है। ओके, टोट बैग के बाद मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही वाले बैग लगते हैं, और इनको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ, और आई थिंक सभी करते हैं। आप इनको कॉलेज भी लेके चले जाओ, ऑफिस में भी चले जाओ, आउटिंग पे भी चले जाओ, तो ये काफ़ी वर्सेटाइल लगते हैं मेरे को। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हम इंडियंस की फेवरेट, वो है दीज टाइप्स ऑफ क्लचेस, ये ब्लैक कलर में, जिसमें कि सिल्वर चेन की डिटेलिंग दी गई है, और इसमें ऐसे जो शाइन आ रही है वो भी सिल्वर टाइप की आ रही है। तो जो ड्रेस या आउटफिट मेरा सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाला रहता है तो ये इजीली उसके साथ चला जाता है, ठीक है, और ये दोनों गोल्ड के साथ इजीली चले जाते हैं। एक्चुअली ये दोनों के साथ जाता है, ठीक है, गोल्डन कलर को भी कॉम्प्लीमेंट करता है और ये सिल्वर कलर को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये मैंने आई थिंक हैदराबाद से लिया था, और ये इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिला था, आई थिंक 400 या 500 में, ठीक है। और ये एक गोल्डन कलर में, ये नॉर्मल बेसिक क्लच है, ठीक है, बहुत लाइट वेट सा है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारा सामान आएगा, बट हाँ आपका बेसिक कैश या फिर कार्ड और लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट वगैरह इजली आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपके सभी आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने ये सिल्वर गोल्डन टाइप में ही ये क्लचेस लिए हैं, क्योंकि जो हमारी वेडिंग ड्रेसेस और जो हमारे फेस्टिवल आउटफिट होते हैं उनमें मोस्टली गोल्डन या फिर रोज़ गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है और सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उनके साथ ये ईजिली चले जाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा पॉपअप टाइप के कलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पिंक रेड टाइप के क्लचेस में इन्वेस्ट किया जाए, बट ये जो है इस टाइप के बिल्कुल बेसिक हैं, अगर ये आपके पास हैं तो आपको मतलब और टाइप के कलर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगती है, आई थिंक जब भी हम पहाड़ों पर ट्रिप वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आती है। सो वो है कुछ इस टाइप के बैकपैक्स, सी इसमें ना आपका बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, और इनको मतलब कैरी करना भी इजी होता है। तो ये एक मैंने बहुत ही बेसिक सा, बिल्कुल भी स्टाइलिश सा नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक सा है, ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था, क्योंकि एक तो ये बहुत इजीली ऐसे घुसपुच होके ना आपके बैग में बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाता है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। कंफर्टेबल सा और बहुत ईजी रहता है इनको कैरी करना, अगर आप सेम डे वाले उस पर जा रहे हो, क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तो उसके लिए इस टाइप के बैग काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉकेट इधर दी गई है, और ये देखने में पता है बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आता होगा, बट ये बिल्कुल वो हरमाइनी के बैग की तरह है कि आप इसमें हाथ डालो सामान निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, तो ये उस टाइप से है। इसमें मतलब देखने में बिल्कुल छुटपु सा लगता है, ठीक है। इसमें एक पॉकेट आगे की साइड दी गई है, और मेन पॉकेट इसमें आपको यहाँ पे दी गई है पीछे, काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है, ठीक है। और भी कुछ नहीं तो फिर जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसे अलग करके रखने होते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो मैं इसको मोस्टली एयरपोर्ट पे या फिर पहाड़ों वगैरह पे मैं जाती हूँ तो तब मैं इसको कैरी करती हूँ। और एक थोड़ा सा ये फैंसी साइड पर है ये बैकपैक कि एयरपोर्ट पे मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे उस वहाँ पे ज़्यादा सही लगता है। इसमें बट चेन नहीं है, बट इसमें ये पोटली टाइप का है, ये ऐसे खिंच जाता है, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे खुल जाता है,
ठीक है, इसको खींचोगे तो ये वापस से ऐसे ही बंद हो जाएगा। ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस है। सी दिस वन, सॉरी, और सो जो सेकंड वाला है थोड़ा सा फैंसी साइड पर है, ठीक है। इसको मैं मोस्टली एयरपोर्ट वगैरह पे ज्यादा यूज करती हूँ, काफी अच्छा लगता है ये, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ऐसे कोटले की तरह बंद होता है, आप इसको आगे से ऐसे खींचोगे तो ये टाइट हो जाएगा और ऐसे ही खुल भी जाएगा, ठीक है, और ऐसे करके खुल जाता है। और इसमें आपको यहाँ पे मैग्नेट वाला लॉक भी दिया गया है, ठीक है, आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो इजिली। और ये काफी ज्यादा स्पेशियस, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। इस टाइप के बैकपैक मुझे काफी अच्छा लगता है और इसका कलर भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और ये आई थिंक मिनीसो से है। नाउ मूव ऑन टू लास्ट कैटेगरी। आई डोंट नो कितने लोगों को वैलिड लगेगा या नहीं लगेगा, बट मैं उसको शेयर करना चाहती थी। अगर आप किसी भी ट्रॉपिकल एरिया पे या फिर कहीं पे भी ऐसे बीच वेकेशन पे जा रहे हो तो इस टाइप के बैग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, काफ़ी बोमेनियन सी वाइब देते हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। एक और बैग है मेरे पास, वो थोड़ा टोट बैग स्टाइल में है, उसकी पिक्चर मैं मेंशन कर दूंगी, मेरे को मिला नहीं वो अभी कहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था, काफ़ी सस्ता सा है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के बैग जो है ना आपकी बीच साइड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा अगर आप बोगो टाइप में स्टाइल कर रहे हैं कुछ भी तो उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल टाइप के भी आते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो मेरा टोट बैग है वो उसी टाइप का कुछ है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बेज कलर में लिया था, इसमें बहुत सुंदर सी डिटेलिंग दी गई है, ये पूरा हैंडमेड रहता है, ठीक है। इसकी बेल्ट ना थोड़ी सी लंबी थी तो मैंने अंदर ही साइड फोल्ड की हुई है, तो इसमें अंदर की साइड आपको एक सिंगल कंपार्टमेंट मिलता है, अलग अलग चेन नहीं है। बट इसमें ना आपको ऊपर से आप इसको ऐसे लॉक कर सकते हो, चेन है, मतलब फुल सिक्योर रहेगा जो भी आप इसमें सामान रखो। सो यार दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।